हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक और नए यूट्यूब वीडियो पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी एक फ़ोटो इंपोर्ट कर दीजिए लाइट रूम एप्लीकेशन में। मैं अभी कर लेता हूँ। फिर सिंपली लाइट रूम एप्लीकेशन खोल लें। वैसे तो डायरेक्ट लाइट रूम से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा ढूंढने में दिक्कत जाता है, तो गैलरी से ही शेयर कर दीजिए डायरेक्ट, तो आसान होगा। सबसे पहले कलर एडजस्ट कर लेंगे, एक्सपोज़र थोड़ा बढ़ा देंगे, अराउंड 30। कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा बढ़ा लेंगे, 20-22 ठीक है। और हाईलाइट कम कर देंगे पूरा, शेडोज़ को थोड़ा बढ़ा लेंगे, 73 ठीक है। वाइटनेस को भी थोड़ा कम कर देंगे, 47 ठीक है। ब्लैक्स को भी कम करेंगे थोड़ा, 15 हाँ। और फिर उसके बाद इसमें तो बाकी सब ठीक है, बस थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ा लेंगे, 30 नहीं थोड़ा कम कर देते हैं, इतना ठीक है। फिर मिक्स टूल पे जाएंगे और फिर रेड कलर का सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे, अराउंड 40-44। और फिर नेक्स्ट ऑरेंज कलर, जो स्किन का कलर होता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बढ़ा लेंगे सेचुरेशन। फिर उसके बाद लुमिनेंस थोड़ा बढ़ा देंगे, अराउंड 24। और नेक्स्ट कलर येलो, तो इसका सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा लेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। और थोड़ा लुमिनेंस भी बढ़ा लेंगे, अराउंड 20-19। ग्रीन कलर का ह्यू कम कर देंगे पूरा, और सेचुरेशन भी इतना ठीक है। और थोड़ा सा लुमिनेंस बढ़ाएंगे। फिर ब्लू कलर में इसका सेचुरेशन थोड़ा बढ़ाएंगे, 60 इतना ठीक है। और पर्पल कलर में ह्यू कम कर देंगे और सैचुरेशन बढ़ा देंगे। फिर डन। और नेक्स्ट टूल पे टेक्सचर को रहन देंगे, क्लैरिटी बढ़ा देंगे थोड़ा, अराउंड 40। डीएज भी बढ़ा देंगे थोड़ा सा, विग्नेट कम कर देंगे, इतना ठीक है। नेक्स्ट टूल शार्पनेस बढ़ा देंगे, 72। और मास्किंग कर देंगे थोड़ा, ताकि सिर्फ एचएस पे ही शार्पनेस बढ़े। नॉइस रिडक्शन भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना, लेकिन 19। कलर नॉइस रिडक्शन भी 25 के अराउंड, 27 ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए।